पूरे देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ, ये चिट्ठी को खुद मैं पढ़ देना चाहती हूँ ताकि पूरे देश की जनता को सही तथ्यों की जानकारी मिल जाए। आज पूर्वाह्न 11 बजे जब राज्यसभा की बैठक शुरू हुई तो मैंने माननीय उपसभापति का ध्यान बीएसपी द्वारा दी गई नोटिस की ओर दिलाया और उस पर मुझे बोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस पर माननीय उपसभापति ने कहा कि आपकी नोटिस पर मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ, परंतु इस पर 3 मिनट तक ही बोलिएगा। इस पर मैंने उसी वक्त कहा कि ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर कि 3 मिनट में बात रखी जा सके। राज्यसभा की रूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्थगन नोटिस पर सिर्फ 3 मिनट का समय ही मिलेगा और उसके बाद फिर मैंने अपनी बात रखनी शुरू की। जैसे ही मैंने अपनी बात सदन के समक्ष रखनी शुरू की तो तुरंत ही सत्ता पक्ष की ओर से उनके संसद सदस्यों के साथ साथ मंत्रीगण भी खड़े हो गए और मुझे बोलने से रोकना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी मैंने शोर शराबे के बीच अपनी पूरी बात सदन के समक्ष रखने की कोशिश की और कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों का विभिन्न स्तरों पर जो बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया है, जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय उपसभापति ने सत्ता पक्ष के लोगों को शांत कराने की जगह घंटी बजाकर मुझे ही बैठने के लिए कह दिया। माननीय सभापति जी, मुझे बड़े दुख के साथ इस्तीफा देने का ये फैसला लेना पड़ रहा है कि देश में सर्व समाज में से खासकर जिन गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के हित व कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और यदि मुझे इनके हित व कल्याण की भी बात सत्ता पक्ष के लोग अर्थात बीजेपी व इनकी एनडीए के लोग नहीं रखने देंगे तो फिर मुझे ऐसी स्थिति में माननीय सदन में बिल्कुल भी रहने का उचित नहीं रहा है।